1, 2, 3, 4. Blanc. Happy birthday to you! Birthday! हम लोग मुझे विश करने आए हो। मुझे पता लग गया है कि सरप्राइज़ है, यशमा ये फ्लावर सॉरी हाँ ये फ्लावर्स तो मुझे ये फूल एंड जस्ट सेंड मी दिस केक यम हैप्पी बर्थडे खोलेंगे हैप्पी बर्थडे रीबा थैंक यू और ये मुझे भेजा है मेरे सास ससुर ने रीबा हबीब हैप्पी बर्थडे अंकल आंटी बहुत स्वीट और इन्होंने भी लिखवाया हुआ है और अंकल आंटी ने बेस्ट चीज भेजी है दिखाती हूँ मैं द बेस्ट चीज मेरी बर्थडे के लिए बलून बिकॉज मुझे बलून्स बहुत पसंद है मुझे लगता है बर्थडे इज ऑल अबाउट बलून्स और ये हेवन एंड दिस लुक्स सो नाइस मैं आपको दूर से जाकर दिखाती हूँ और यहाँ पे मेरी जो पिक्चर्स होंगी ओ वाओ सो अनदर फ्लावर आई रिसीव और एक ये बलून गिर गया ऊपर से लेकिन थैंक गॉड हमने पिक्चर्स कर लिए बट इट्स ओके ये फंस गया इसके अंदर बट एनीवेज ये अम्मा ने मुझे भेजा है मेरी दिस इज वेरी नाइस थैंक यू अम्मा और ये केक भेजा है इतने सारे केक का मैं क्या करूँगी एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई टोल्ड यू दिस इज द बेस्ट थिंग Morning, birthday face, not well. By the way, let me show you something. Thank you so much, Afak Baji. उन्होंने मुझे बहुत ही cute सा ये flower gifts भेजे हैं और माशाल्लाह मुझे कल रात से इतने केक और flowers आ चुके हैं मेरे पास तो इतने vases ही नहीं है मैं कहाँ लगाऊंगी flowers but anyways, thank you so much. तो बर्थडे की शुरुआत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तो उससे हुई है तबीयत से बट इट्स ओके कोई बात नहीं तबीयत तो ख़राब होती रहती है पर आई थिंक ये कोई नॉर्मल वेदर वाला कुछ चल रहा है आई थिंक ठंडा गर्म जो हुआ हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी भी है बहुत सो मैं अपना अंडा ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ दिस कोरियन शो बाय द वे किंग द लैंड क्रैश लैंडिंग ऑन यू एंड द थर्ड वन इज़ क्वीन टेयर्स ये तीनों शोज मैं देख चुकी हूँ जो किंग द लैंड है ये मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी स्टोरी इतनी पसंद है एंड माई फेवरेट शो किंग द लैंड से ज़्यादा इज़ क्रैश लैंडिंग ऑन यू सो मैं रिपीट करूँगी आफ्टर दिस शो और आप लोग भी देखें आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सच अ नाइस शो मतलब बहुत मज़े की स्टोरीज हैं फिर मुझे एक फ्लावर बॉक्स आ गया है और ये मुझे भेजा है मेरी फ्रेंड फेमीना ने सॉरी और ये एक और मुझे फ्लावर बुक आ गया है और ये मुझे भेजा है मेरे फ्रेंड उमेर बेग ने थैंक यू उमेर एंड फेमीना दीस आर वेरी नाइस ओके सर मुझे इतने सारे फ्लावर्स रिसीव हो गए हैं ओ माय गॉड दिस इज थैंक यू सो मच सब लोगों के प्यार के बट ये मेरे फेवरेट है मैं मुझे मेरे मियाँ ने गिफ्ट किए हैं और बाकी सब मेरे दोस्तों ने मुझे इतने सारे भेजे हैं ये अम्मा ने भेजे हैं और वो तो आप लोगों ने देखा था रात को ये मेरे दोस्तों ने भेजे हैं सया थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव भाई और अभी तक मेरे बलून्स ऊपर है सारे लगे हुए और कुछ कुछ नीचे गिर गए बाय द वे ठड़ा ठड़ा कुछ कुछ नीचे गिर गए बाकी सब ऊपर ही हैं सिमरा मुस्लिम उनका एजेंसी है ये हैप्पी बर्थडे अलीबा समरा एंटी थैंक यू सो मच समरा देखते है क्या इसके अंदर यू डोंट
look a day over fabulous. I loved it. Thank you so much, Samria. Next day. हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मुझे ये नहीं पता कि जब हम बैक कैमरा में वीडियो बनाते हैं तो शुड आई लुक ऑन द मिरर और ऑन द कैमरा। आई डोंट नो, मे बी इन द कैमरा। एनीवेज, सो हो ये रहा है कि आप लोगों की और आप लोगों की बर्थडे विशेस का बहुत 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 शुक्रिया सबसे पहले तो। और एक और चीज़ कि आप लोगों की बर्थडे के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी लाइफ में हम पे नज़र लगाते हैं, नज़र एंड नज़र बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसके लिए आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, चारकोल पढ़ने चाहिए, इस तरह की चीज़ें पढ़ के दम करना चाहिए अपने ऊपर। बट समटाइम्स आप नहीं पढ़ पाते और समटाइम्स आप भूल जाते हैं और फिर भी नज़र जो है वो आपको लग जाती है। तो आप लोग मेरी आंखों से देख के बता सकते होंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज थोड़ी सी बेहतर हुई है तबीयत। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कैमरा उठाऊँ और शुरू करूँ व्लॉगिंग। सो बर्थडे में बहुत सारी चीज़ें हुई बट इतना कुछ मैंने शूट नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज नॉट वेल। सो आई एम लाइक कि चलो थोड़ा इन्जॉय कर लो, रिबा हिम्मत ही नहीं है। और उसके कुछ असरात आप लोग देख सकते हैं मेरे ये हसीन पिंपोल। उसका रीज़न ये है कि दवाइयाँ, जब आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो आपके स्किन के ऊपर हसीन पिंपोल्स निकलते हैं। सो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर जर्नी, योर बॉडी। सो इट्स ओके, पिंपल होना अच्छी बात होती है। बट एनीवेज, मैं जा रही हूँ अपना सैलॉन, कुछ काम कराने हैं दो चार। एज यूजुअल आपको पता है कि हमारी लड़कियों की जिंदगी सैलॉन। और उसके अलावा मैंने जाना है अपनी ये नथ निकलवाने, यू कैन सी दिस, क्योंकि वो सब मेरी इससे बस हो गई है। सो नाउ आई वांट कि मे बी मैं कुछ टाइम के लिए इसको निकाल दूं और मैं बाली पहनना शुरू कर दूं। बट मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छी लगती है दस लाइक छोटू सा डायमोंटी, बट आई थिंक मुझे बाली पहननी चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद अपना व्लॉग जो है वो बना के अपलोड करूंगी, तो उसके लिए माजरत। आप अभी भी देख सकते हैं मैं बीमार हूँ। सो एनीवेज, अब निकलते हैं। ये मेरी कुछ लुक है और आज मेरा शीशा साफ है, आप लोग देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है मेरा शीशा और मेरा रूम। उसके पीछे राज ये है, रुके मैं लाइट खोलूं पहले। ओके, लाइट ऑन हो गई है, ज्यादा हो गई है। ओके, सो हो ये रहा है कि मेरा शीशा और मेरी क्लोजेट के पीछे जो सफाई का जो आलम है पूरा नहीं दिखा सकती अभी। मैं अपना एक पूरा टूर करने वाली हूँ, हाउस टूर, क्लोजेट टूर, ये होने वाला है बहुत जल्द। सो ये जो मेरी एक कराटे लुक आज मैंने पहन लिया है। सो उसका रीज मैंने कहा कि चलो यार आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो आज ये पहन लेते हैं। बट एनीवेज, तो जा रही हूँ और जाके करवाती हूँ अपना थोड़ा हेयर ट्रीटमेंट और ये लश्कारा जाके निकलवाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। आई सी यू गाइस। जूते पहन लिए हमने, अब हम अपना ले लेते हैं बैग और किधर है हमारा बस्ता किधर है। हमारा बस्ता हमें मिल चुका है और ये रहा हमारा अम्मे। ओके, ये क्या आ गया मेरे पाँव में, कोई बाघ आ गया। इनमें सो ये है हमारी आज की लुक। थोड़ा वैसे अभी भी शीशा इतना साफ नहीं हुआ है, हुआ है बट इतना नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने जिस कपड़े से साफ करवाया वो कपड़ा साफ नहीं, देयर इज समथिंग, बट एनीवेज हम इसको दोबारा से साफ करा देंगे। सो लेट्स गो। और ये मेरा फेवरेट मिरर। और एक चीज आप लोगों से पूछना भूल गई कि आप सब लोगों ने बताना है कि मेरे ऊपर ये नोज पिन अच्छे लगते हैं या नोज रिंग अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं पार्क टावर्स, क्योंकि मेरी कुछ शॉप्स हैं जो यहीं पर हैं अभी तक। सो बेचारा हमारा पार्क टावर्स कितना सुनसान हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वो मेरी शॉप मेरी, ओके। ये
ही मेरी फेवरेट ज्वेलरी है। बता रही थी मैं बस कितने सालों से आ रही हूँ, शादी से पहले की बात है, याद है आपको? बहुत पहले से, जब मैं ड्रामाज में आई थी नई नई तब, मेरे ख्याल से ढाई तीन चार पाँच साल तो हो गए, पाँच साल से मैं इनके पास आ रही हूँ कि मैं इसका रिस्क कहीं और नहीं लेती। हाँ, सरवाना का नाम मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ भाई। और इन नाइस नो स्पेंड ऑन, सो नो स्पेंड ग्रांड के बाद हो रहा है जो भी जाएगा। दीज आर वेरी नाइस, ये बहुत ही क्यूट से से बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ कितना क्यूट है, वेरी नाइस। लेकिन मुझे ये भी काफ़ी आ रहा है, लाइक दिस वन आल्सो। आई बाय टू बोरिंग प्लेस, हमारा पार्क टावर, पार्क टावर से नहीं रहा और ख़त्म हो गया। पाल से आ गए और हम पाल से लेने रुक रुक गए हैं। मैं कितने टाइम से ढूंढ रही थी कि अच्छे पाल से आ जाएं और फाइनली ये कह रहे हैं कि अच्छे पाल से हैं, और मुझे देखने में लग भी रहे, मुझे देखने में लग भी रहे कि अच्छे पाल से हैं, और पाल से मुझे बहुत पसंद है। दो जगह कर दीगा और अच्छे निकाल लें आपने, ठीक है? गंदे मत दीगा, खराब खराब मुँह में पानी आ रहा है। और जहाँ से मैं फालसा ले रही थी, आपको पता है वहाँ के बिल्कुल सामने एक जूस की शॉप है, तो मैंने बोला कि अब मैं घर जाके फालसा तो मसाला डाल के खा लूँगी, लेकिन मैं जूस भी पी लेती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे फालसे का जूस दे दें बना के, सो अब मैं वेट कर रही हूँ फालसे के जूस का। और फालसा हमारा ये रहा। वापस आ गए हैं, थक गए हैं, इतनी गर्मी है बाहर कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल है। सोच रही हूँ जाके चेंज कर लूँ, और चेंज करके फिर उसके बाद एक दो चीज़ें और करनी है वो कर लेती हूँ, और बस आज कुछ ख़ास है नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो रेस्ट कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। आई शो यू वन मैजिक ट्रिक, देखा मेरा मैजिक, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। खैर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ट्राउजर सेम थे, फिर मैंने टी शर्ट चेंज किया बस, और कुछ नहीं किया ऑनेस्टली, और थोड़ी सी सौंफ खाई है। अब चलते हैं बाहर और थोड़ा सा टीवी एंजॉय करते हैं। और ये जो आप लोगों ने नज़रें लगाई ना मुझे, ये देख, नज़र नज़र नज़र, ये तीन से चार नज़रें मेरे मुँह के ऊपर ऐसे निकल निकल के आई हैं, माशाल्लाह बोल जा रहा है तस्वीरें देख के।